ऑन ऑफ बल्ब, ठीक है, यहाँ से ऑन ऑफ करना, तो बना लीजिए। पानी वहाँ से ऑन रखना है आपको एनी टाइम, कहीं चले गए वैकेशन के लिए, अब तो सब ऑफ कर दिया पानी। कप, हाँ हाँ हाँ, कपड़े डाल दिए फर्स्ट वाले में, आपको पाउडर डालना है इसमें, डेली बेस का लिक्विड हो या आपका पाउडर हो, और इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रखना पहले, या पाउडर भी साथ में, या लिक्विड जो भी आप रखना पहले ही रखना है। दरवाज़ा आपने क्लोज कर दिया इसका, ठीक है, डिटर्जेंट बॉक्स अंदर कर दिया। कपड़े डालना सच करके, पिन कोड वगैरह नहीं जाने चाहिए। दरवाज़ा क्लोज कर दिए, स्लोली डाउन हो जाएगा अपना। हाइड्रो लग रहे हैं इसके अंदर, मशीन यहाँ से हमने ऑन करी, डेली वेज के नॉर्मल जो कपड़े होते हैं कॉटन वाले, तो मशीन यहाँ से ऑन करोगे तो नॉर्मल में चली गई आपकी, कॉटन के नॉर्मल वाले कपड़े हैं। तो मशीन यहाँ से सेलेक्ट करें अपने नॉर्मल, देन स्टार्ट। इसमें मशीन गेज करेगी, मतलब वेट वेट इसका काउंट करेगी, इसके हिसाब से डिस्प्ले टाइम लगे, सेंसिंग कर रही है, लॉक इसका लॉक लग गया, अब इसका लॉक खुलेगा नहीं, ये अनलॉक होगी, अब ये डिडक्ट कर रही है, मतलब सेंस कर रही है, उसी के हिसाब से डिस्प्ले पर टाइम आ जाएगा आपका। अब देखिए मशीन हो रही है, सेंस कर रही है, उसके हिसाब से डिस्प्ले पर, मतलब खाली भी होगा तो ये टाइम तो लेगी, खाली भी चलेगी, जरूरी नहीं है कपड़े डालो कोई, तभी मशीन सेंस करेगी। देखिए आ गया 40 मिनट लिख के आ गया, 40 मिनट, ठीक है 41। इसमें वॉश का टाइम आ गया, वाटर लेवल एक लेगी आपका, एक ले लिया इसने, वॉश का टाइम आ गया आपका, टाइम भी दिखा रहा आपको वॉश का, ये 13 मिनट, 1 टाइम रिंस करेगी, स्पिन बचने 5 मिनट करेगी, वॉश का मिनट टाइम है इसका। ये मतलब रिंस सर कितनी बार खंगाल लेगी, एक बार खंगालना, दो बार खंगालना, आप रिंस ऐड भी कर सकते हैं। हाँ स्पिन 5 मिनट के लिए आ गया आपका, दबाने के बाद भी काउंटिंग हो जाएगी है ना। हाँ हाँ हाँ, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम तक आपका ये खंगालने के लिए, स्पिन के लिए हो गया, ज़्यादा आपको खंगालना है तो बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मल, आपका ये आ गया आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फैब्रिक कपड़े होते हैं वो आपको ज़्यादा, मतलब फैब्रिक जो होंगे उसी के हिसाब से कपड़ों को फैलाएगी, फैब्रिक जो कॉटन का फैब्रिक जो ज़्यादा फैब्रिक जिसमें ज़्यादा कपड़ों के अंदर होता है, आर्टिफिशियल सेंसर होता है इसके अंदर, जो सेंसर है ना कपड़ों के हिसाब से, ये मतलब उसी के हिसाब से मशीन मूव करेगी बड़े कपड़ों को फैलाने के लिए। ये आ गया, क्योंकि वॉशेस पार्टी वाले कपड़े सॉफ्ट कपड़े होते हैं, इसमें 23 मिनट कपड़े आपके वॉश हो जाएंगे। यहाँ से मशीन आपने सेलेक्ट करी, फिर ध्यान स्टार्ट कर दिया। ये आ गया एलर्जी केयर, जैसे हॉस्पिटल टाइप की एलर्जी लिंकर वगैरह हो जाती है, तो एलर्जी केयर में कब स्टीम साइकिल चलेगी, स्टीम में मतलब पहले स्टीम बनाएगी, फिर वॉश करेगी, फिर रिंस करेगी, स्पिन कर विशर देकर मशीन बंद हो जाएगी। ये आ गया आपका जेंटल साड़ी वगैरह जो वुलन कपड़े होते हैं, इसमें आपका इसमें स्पिन कम करती है, मतलब थोड़ा नमी पानी के अंदर कपड़ों के अंदर रहेगी, कोई ज़्यादा कपड़े स्पिन करती है, मतलब स्पीड पकड़ेगी तो ये कपड़ा आपका फैलेगा, मतलब एक नॉर्मल स्पिन चलेगी करेगी, कपड़ा आपका एडिटिव रहेगा, कपड़ा ख़राब नहीं हो। जाएगी डैम लोड साइकिल, इसमें टप क्लीन करना है 30 वॉशिंग के बाद, मशीन यहाँ से प्रेस करोगे तो 1 घंटे 38 मिनट, मतलब इस टप क्लीन का फंक्शन है ये। ये 30 वॉश के बाद आपको टप क्लीन करना है, खाली मशीन चलेगी विदाउट कपड़े के। हाँ हाँ, फिर जब यहाँ से स्टार्ट करोगे ये आपका चालू हो गई, अब लॉक आपका लग गया, हम 30 वॉशिंग के बाद है। ये आ गया आपका एक रिजर्व, आप सेलेक्ट करोगे 300 वॉश करेगी, स्पिन कर रिंस करेगी, देखिए लिखा वॉश का टाइम, स्पिन रिंस का टाइम, देन स्पिन नहीं करेगी, तो स्पिन होना चाहिए। कुछ कंट्री में ऐसा होता है पानी दिक्कत होती है, फ्रेश पानी स्टोर कर रख देते हैं, वो पानी आपका वो करेगी, आपका रोक कर रखेगी, वो फ्रेश पानी रहेगा इसके अंदर, वो यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ये आ गया आपका स्टीम स्ट्रॉन्ग वेव, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लेगी मशीन, मतलब एक हीट जो हीटर चलता है, हीटर चलेगा वेव की तरह, जो
फॉग की तरह काम करेगा उसमें गर्म पानी आएगा, गर्म पानी आएगा स्टीम साइकिल। हाँ जी जी स्टीम स्टॉप। हाँ जी हाँ जी जी स्टॉप। टाइम ज़्यादा लेगी इसमें, जितनी भी स्टीम साइकिल है इसमें टाइम ज़्यादा लेगी आपकी। एक स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन होती है, आप इसे मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। आप अपना मोबाइल चलिए, एक स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन आपको एल जी स्मार्ट थिंग क्यू एप्लीकेशन लोड करनी है इसको, उसके हिसाब से वो जैसे वो उसे राउटर वगैरह तो लग जाओगे आपका, नहीं वाईफाई वगैरह है तो उससे आपको खोलोगे तो उससे वाईफाई मशीन का आप अभी भी दिखाऊंगा मैं आपको। डिले टाइम रखा, डिले टाइम आपने वहाँ यूज़ किया था, देखिए 2 घंटे 1 मिनट लिया आसना, 2 घंटे 1 मिनट 2 घंटे मशीन आपकी वॉश वो करेगी। वाटर लेवल ले लिया ना, वॉश का टाइम, हाँ हाँ वॉश का टाइम ले लिया, और रिंस और स्पिन जो नॉर्मल कंडीशन, मतलब हीटर की टाइमिंग बढ़ गई इसकी, हीटिंग की टाइम बढ़ गई। मशीन हमें यहाँ से ऑफ कर दी, और खाली सपोज कि जब मैं एक ही फंक्शन में वही पाउडर को बार बार धोना है, मतलब जैसे सेमी ट्वेन करके मशीन आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये वाली करते हैं वॉशिंग का लगाना, खाली ओनली हमें वॉश करना, तो वॉश वाला सिलेक्ट हमें लेना है यहाँ से, वॉश वाला टाइम लगाएंगे तो इसमें आपका 21 मिनट 30 मिनट। खाली वॉश करना ओनली, तो वॉशिंग का टाइम ना मैक्सिमम ले लिया 30 मिनट, और शॉक वाली ये सिस्टम हमें हटाना है यहाँ से, ये हमने रिंस हटा दिया आपका और स्पिन भी हटा दिया। कई बार उसी पाउडर को पानी में जो निकलते हैं, हाँ हाँ खाने के लिए। अभी खाली खाली वॉश करेगी आपकी ये, अभी स्टार्ट कर दिया यहाँ से हमने, 2 फंक्शन हट गए रिंस और स्पिन, ये खाली एक ही फंक्शन करेगी आपकी, वही पानी आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको पाउडर वेस्टेड हो गया, हाँ हाँ आप जी जी वो तो बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड में चलेगी जी जी, और तीनों चलाने तो चलती रहेगी। हाँ जी जी कपड़े डालने के बाद में इसमें टाइमिंग लगाना पड़ता है ना? नहीं टाइमिंग अकॉर्डिंग टू वेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू वोटिंग चलेगी, आप कुछ नहीं करना, पाउडर डालना रिक्वायरमेंट की जिसकी जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से। और ये जाली आपको मैंने बताई है, पानी ऑफ करना, फोर डेज में या वन सप्ताह में आप देखिए कितनी गंदगी आ रही है आपकी, अभी लगी है जाली की गंदगी आ रही है टैंक से, ठीक है ये आपको हर 1 वीक में आपको क्लीन करनी है। कितनी आती है इसकी लेंथ पाइप की? अगर अलग से लगाना पड़ता है, अगर कोई दूर पानी की वो तो जब गवर्नमेंट होगी तो लगाना पड़ता है। ये हो गया आपका, और खाली सपोज कीजिए आपको ना आपके कपड़े वॉश कर रखे, खाली स्पिन करना, तो मशीन पवन मशीन यहाँ से ऑफ कर ऑन किया आपने, स्पिन वाला बटन सेलेक्ट किया, इसमें स्पिन की टाइमिंग बढ़ जाती है, और 5 मिनट ये आप बढ़ाओगे 7 मिनट तक हो गया, टाइम दिखाएगा 16 मिनट, क्योंकि ड्रम का पानी निकालने का खाली सुखाती है 7 मिनट। अब इसका लॉक लग गया, अनलॉक नहीं होगी मशीन, अब सूखेंगे, अब पानी निकालने के पानी निकलेगा, देखिए पानी निकल रहा है इसका। अब जैसे इसका ड्रम खाली होगा टाइम एकदम डाउन हो जाएगा इसका। देखिए टाइम इन्हें कम कर दिए, 5 मिनट कम कर दिए, क्योंकि मशीन के अंदर पानी नहीं है, वो टाइम एकदम डाउन कर देगी। देखिए मशीन ना चालू हो गया, लेकर के मूव होगी, 7 मिनट में कपड़े स्पिन करेगी, स्पीड पकड़ेगी अभी 8 मिनट में। लई मोबाइल दीजिए जो एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ आपको, नेट खुला है, वाईफाई कनेक्ट है, वाईफाई कनेक्ट यहाँ पे गए हम प्ले स्टोर में। मैम इसका पैटर्न बता दिए, क्या है इसका पैटर्न, क्या है इसका 3155
तो ये वाईफाई से क्या मतलब कैसे लगी? इसमें कपड़े की कैटेगरी रखी, बैठे बैठे आप कपड़े चूज कर सकते हो, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, सब कुछ दिखाएगा इसके अंदर। कपड़े की कैटेगरी सब दिखाएगा इसमें, कौन से कपड़े हैं फ्री, वहाँ से जो है इसमें डिस्प्ले दे रखे हैं इसमें, और जब तक दिखाएगा कपड़े शो करेगा इसमें, जो कपड़े होंगे वो मोबाइल में शो करेगा। कपड़े की कैटेगरी बढ़ जाएगी इसमें, देखिए स्पिन कर रही है। चलती हुई ये मशीन खुलेगी नहीं, लॉक लग गया, देखिए लॉक लग रहे हैं, यहाँ से मशीन पॉज करोगे तो अनलॉक होगी, मशीन हमारी पॉज हो गई। अब ये कोई सिम्टम नहीं दे रही, अब ये खाली साइलेंट है ना, अगर स्टार्ट कर दोगे अनलॉक हो गया, और जिस फंक्शन में करेगी वो लाइट बिलिंग होती रहेगी, देखिए लाइट बिलिंग हो रही है इसकी, मतलब मशीन हमारी वर्किंग मोड में आ गई। अब मशीन पॉज कर दोगे तो मशीन है ना आपकी अनलॉक हो जाएगी, अनलॉक हो गई, देखिए यहाँ से मशीन हमने ऑफ कर दी, देखिए स्टॉप हो गया। अरे गूगल पे है आपका क्या, किस चीज पे चलाती हैं आप? गूगल पे चलाती हैं आपकी? गूगल पे चालू हो ना? हाँ गूगल भी चालू। ये ना आपको पासवर्ड वगैरह तो कन्फर्म होगा आपको? पासवर्ड वगैरह तो होगा, डाली है ईमेल वगैरह अपना, चालू हो नहीं? भैया ऐसा तो कुछ नहीं है चालू, नहीं पता। जैसे कि स्टैंड अगर शॉप से लेने जाए